देवी पार्वती जी भोलानाथ को पूछती हैं, तो अनंत संहिता में भोलानाथ सदाशिव भगवान के वचन हैं। कौन भगवान की संकीर्तन के द्वारा उपासना होती है, ऐसे सब पुराणों में महाप्रभु जी का उल्लेख है। भगवान शंकर अनंत संहिता में देवी पार्वती जी को उपदेश देते हैं। क्या देवी पार्वती जी भोलानाथ को पूछती हैं कि प्रभु आपने मुझे नारायण की कथा सुनाई, आपने मुझे त्रेता युग की कथा सुनाई, श्री राम की कथा सुनाई, आपने मुझे द्वापर युग की भी कथा सुनाई, श्री कृष्ण की भी कथा सुनाई, लेकिन अब कलयुग में भगवान का कोई अवतार होना हो तो वो कथा भी सुनाइए। तो अनंत संहिता में भोलानाथ सदाशिव भगवान के वचन हैं। क्या यैव राधिका कृष्णा सैव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवदीपाशतशुभम। क्या कहा भोलानाथ ने, हे देवी जो वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण है वही कलयुग में श्री गौरांग रूप से अवतार धारण करते हैं, और जो श्री ब्रजमंडल हैं वही गौरमंडल के रूप में, जो श्रीधाम वृंदावन है वह श्रीधाम नवद्वीप के रूप में अवतार धारण करते हैं। और कहां वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में। श्रीमद् भागवत जी में जब श्री प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं तो भागवत जी में क्या कहते हैं, कहते हैं छन्न कलौ यद्भव त्रियुगी सत्वम। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में जहां श्री कृष्ण के नामकरण का प्रसंग है, आसन वर्णास्त्रियो हस्य गृहितोनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथापि तो इदानिम कृष्णताम गता। हे नंद बाबा, तुम्हारो ये लाला जुग जुग में अवतार लियो करे, शुक्लो सतयुग में शुक्ल वर्ण से अवतार लियो करे, त्रेता में रक्त वर्ण से अवतार लियो करे, या द्वापर में कृष्ण वर्ण से अवतार लियो है, और कलयुग में पीत वर्ण सो अवतार धारण करे। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंध में जब नव योगेश्वर संवाद हो रहा है तो योगेश्वर क्या कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजन्ति हि सुमेधसः। हे राजन, जो भगवान भीतर से कृष्ण है पर बाहर से अकृष्ण है, अकृष्ण माने गोरे हैं, कली काल में सज्जन गण वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन के द्वारा उन परम प्रभु की उपासना करते हैं। कौन भगवान की संकीर्तन के द्वारा उपासना होती है, महाप्रभु जी की केवल कीर्तन के द्वारा उपासना। पद्म पुराण में वर्णन है, क्या वर्णन है, कलई प्रथम संध्याया गौरांग सो मही तले भागीरथस्यातटे भूयो भविष्यति सनातन। पद्म पुराण में लिखा है कलयुग की प्रथम संध्या में श्री कृष्ण गौरांग रूप से अवतार धारण करते हैं। कहां करते हैं, बोले गंगा जी के पावन तट पर। किसके यहाँ, बोले कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामी शची सुत। गंगा जी के तट पर शची माँ के गर्भ से अवतार धारण करते हैं और कलयुग में संकीर्तन धर्म का प्रकाश करते हैं।
ऐसे सब पुराणों में महाप्रभु जी का उल्लेख है।